अगर आप इसका यूज करेंगे, दो चीज अपन ने देखी थी कि एक तो आपका जेड था क्यूब और दूसरा क्या था सेकंड था। तो देखो एक बार वापस मैं डेफिनेशन को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अपन ने बात की थी जेड में जिसको क्या बोला था अपने प्रभावी नाभिकीय आवेश, क्या नाम देते हैं आप प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो जेड इफेक्टिव के अंदर आपने देखा था कि आपके पास कोई भी एटम है और इस एटम के अंदर अपन ये देख रहे क्या है न्यूक्लियस, और आपको पता है कि न्यूक्लियस किससे मिलकर बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, और इन सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो जेड इफेक्टिव अपन को ये बताता है, क्या बताता है कि न्यूक्लियस के द्वारा ग्लास इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगा गया अट्रैक्शन फोर्स, क्या बोलते हैं आप न्यूक्लियस के द्वारा ग्लास इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगा गया अट्रैक्शन फोर्स, या आप ये कह सकते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन के द्वारा नाभिक से फील किया गया अट्रैक्शन फोर्स होता है उसी को अपन किस नाम से जानते हैं जेड इफेक्टिव के नाम से अपन जानते हैं। दूसरी चीज देखो यहाँ पर अपन ने बात की है कि जेड इफेक्टिव यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बढ़ती है तो जेड इफेक्टिव की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है कम होती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि किसी भी स्पीसीज के अंदर से यदि आप इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं रिमूव करते हैं, क्या करते हैं आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के दौरान जेड इफेक्टिव की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है इंक्रीज होती है। दूसरी चीज देखो यहाँ पर जेड इफेक्टिव जो होता है वो अट्रैक्शन फोर्स से क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब दूसरा है अपने पास में क्या है सेटिंग इफेक्ट, क्या था सेटिंग इफेक्ट। सेटिंग इफेक्ट के अंदर अपन ने ये देखा था कि भाई जो आपके आंतरिक कोष के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन के द्वारा लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगाया गया रिपल्शन फोर्स वो क्या कहलाता है आपका सेटिंग इफेक्ट कहलाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास में कोई स्पीसीज है, या आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास में कोई भी एलॉय है और उस एलॉय के अंदर अपन इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप बढ़ाते जाएंगे उतना ही सेटिंग इफेक्ट क्या होता जाएगा इंक्रीज होता चला जाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि आपकी जो आंतरिक कोष की जो इलेक्ट्रॉन है ये सभी इलेक्ट्रॉन मिलकर ये जो आपका लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर जो रिपल्शन फोर्स जो लगाता है उसी को अपन किस नाम से जानते हैं सेटिंग इफेक्ट के नाम से अपन जानते हैं, या इसको क्या बोलते हैं आप स्क्रीनिंग इफेक्ट। अच्छा ये जो आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट है इसका रेशियो किस हिसाब से होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अर्थात जो